नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव टंडेड़ा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के सर्व समाज को जोड़ा गया, जिसमें गांव टंडेड़ा से बेहड़ा को जोड़ने वाले मार्ग की समस्या उठाई गई। पंचायत के बारे में पूर्व ग्राम प्रधान पवन कुमार ने बताया कि बेहड़ा साजा से गांव टंडेड़ा मार्ग बनाने की मांग वह पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चुनाव के समय प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशी नेता आदि गाँव में आते हैं और मार्ग बनवाने का केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। टंडेड़ा बेहड़ा साजा मार्ग के बन जाने मीरापुर जाने वाले व्यक्ति इसी मार्ग से गुजरने लगेंगे और मोड़ना व बेहड़ा सादात से मीरापुर जाने वाले यात्रियों को लगभग 15 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी होगी। इस मार्ग के बन जाने से टंडेड़ा, जड़बरकटिया, सिकंदरपुर, ककरोली आदि गांव के ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा और इसी मार्ग से श्रावण और फाल्गुन मास की कावड़ यात्रा भी चलती है। बाकी तोमर के जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा, बीच में थोड़ा बहुत बनाकर छोड़ दिया गया था। ग्राम प्रधान पति खुर्रम ने कहा कि जैसे मेरे गांव के जनमानस कहें मैं तैयार हूं और मैं गांव का सेवक हूं, मेरे लिए गांव का जो भी आदेश होगा मैं मानने को तैयार हूं। पूर्व ग्राम प्रधान पवन ने बताया कि पहला बना हुआ 1700 मीटर रास्ते की ही मरम्मत की जा रही है, जबकि पूरा रास्ता 2700 मीटर का है जो नहीं बनाया जा रहा। जब तक पूरा रास्ता नहीं बनेगा तब तक वह चुनाव को बहिष्कार करेंगे और गांव को कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा। इस दौरान गांव में एक कमेटी का गठन किया गया, जो भी निर्णय लिया जाएगा कमेटी द्वारा ही लिया जाएगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान पति खुर्रम अजीज, पूर्व ग्राम प्रधान पवन सिंह, धर्मेंद्र, अब्दुल सलाम, मोहम्मद अली, धर्मेंद्र सिंह, विजय पाल मास्टर, राकेश मास्टर, प्रीतम सिंह, मोनू गुर्जर, अनुज, रविंद्र, ओमवीर सैनी, याकूब, शोभाराम उपाध्याय, सुंदर उग्रसेन, ऋषिपाल आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। सारा 8 गांव का रास्ता, 10 गांव का रास्ता है, इतना चलता है, रात दिन चलता है। आवे जो भी आवे नेता, इनको मैं बनवा रहा। हमारे यहाँ सरकार है, इनको आपकी एक कौन सी रैली थी, भारत संकल्प यात्रा, उसमें निर्वाल जी को कहा, जो हमारे जिला अध्यक्ष है मौजूदा, उन्होंने कहा रास्ता तैयार है, काम लगने वाला। एक्शन साहब ने कहा तुम्हारा तो वही पास है जो उन्होंने पहले बना हुआ, हम क्या करें पहले को लेके, हमें तो बेटे से टेढ़ा रास्ता चाहिए, रास्ता दोगे तो वोट लोगे, नहीं तो हम बिल्कुल वोट देने के नहीं। भाई इसका आ रहा है पूरे गांव की तरफ से। फिलहाल कितना रास्ता बन रहा है, जो रास्ता फिलहाल बन रहा है ये कितना है? ये 1700 मीटर है, 2700 मीटर पूरा। इसमें कमेटी बनाई गई, कोई कमेटी बनाई गई है, बात निर्णय लेंगे, अभी बैठ के बात भी करेंगे हम, जैसा भी कुछ होगा उसका आगे बताऊंगा। मैं ग्राम पंचायत टंडेड़ा से वर्तमान ग्राम प्रधान पति खुर्रम अजीज। हमारे गांव पंचायत टंडेड़ा में एक सभी लोगों की आपस में एक सभा हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि बेहड़ा मार्ग से संबंधित पिछले 50 सालों से हमें जो एक मुगली गुट्टी दी जा रही है, झूठी आश्वासन दिए जा रहे हैं, उसी संबंध में ये आपस में एक सभा थी। और इसी में आज पिछली बार हमसे 2.5 किलोमीटर का एक वायदा हुआ था, जो नेट पे भी शो किया है, लेकिन अभी जो रास्ता बनाया जा रहा है वो 2.25 किलोमीटर का रास्ता बनाया जा रहा है, और वो भी वो रास्ता बनाया जा रहा है जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। सरकार कहती है कि एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ने के लिए जो प्रावधान सरकार ने रखा है, लेकिन हमारा ग्राम पंचायत टंडेड़ा जो है किसी गाँव से कनेक्ट ही नहीं होता है। नया गाँव निजामपुर से कनेक्ट होता है, ना ही बेहड़ा सादात से कनेक्ट होता है, ना ही बेहड़ा सादात से खाईखेड़ा से कनेक्ट होता है, ना ही सम्बेड़ा से कनेक्ट होता है, ऐसा क्या है? तो इसी संबंध में सर्व समाज के लोगों ने एक आपस में एक सभा की है और एक कमेटी बनाई है, जिसमें ये तय किया गया है कि अगर हमारा गांव के रास्तों का समाधान नहीं तो इस ग्राम पंचायत टंडेड़ा में चुनाव भी नहीं। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पूरे ग्राम पंचायत टंडेड़ा की ओर से कह रहा हूँ, और मैं ग्राम पंचायत टंडेड़ा का ही नौकर हूँ, ग्राम पंचायत टंडेड़ा का ही चौकीदार हूँ, इन्हीं का जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे इन्हीं के साथ चलना है और इन्हीं लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए मुझे नुमाइंदा घोषित किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। सरकार चाहे हमें जेल भेज दे, पूरे गाँव को उठा के भेज दे, ना ही हम डरने वाले हैं, इससे कोई हमारा मसला नहीं है और हम किसी पार्टी विरोधी नहीं है, हम सभी पार्टियों के साथ हैं, हम सिर्फ सरकार। ये तो उपलक्ष सिंधा भाई, तो एक दर्द था हमारा, सब ग्राम समाज के जितने भी लोग हैं तो उनका एक दर्द है कि पिछले कई सालों से चला रहा हमें जो बेहड़ा वाला रास्ता है, जनप्रतिनिधि जो भी आया या अधिकारी जो भी आया हमसे वादे करके चले जा और काम होता नहीं। अब जहाँ से ये इन्होंने फिलहाल शुरू किया, मतलब लगभग जहाँ वो एक कोल्लू है बेड़े के रास्ते पे, तो वहाँ से गांव तक तो पहले ही बना हुआ है,
हालांकि टूट रहा होगी, लेकिन उससे पहले कुल्लू से आगे जाकर लुटाई बुटाई तो वहीं हो, 20-30 साल से 50 साल से लुटाई बुटाई वहीं से हो रही है जहाँ से उन्होंने छोड़ रखा। बरसात में सर्दी में कई बार इस पर राजी नहीं होती है, टूटा पड़ा रास्ता यहाँ से बेड़े तक। तो सही बात तो ये है कि ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है, अगर लोग इसे समझे, जड़वड़ कटिया बेड़ा और उधर से आने वाले लोग, ये हमारी कम से कम 10-15 गाँव की एक साझी समस्या है, उसे समस्या के समाधान के लिए सबको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, सब गाँव को इन्हें। फिलहाल हम खड़े तो हो सकता है कि ऐसा हो कि अकेला ही चलाता सिमते मंजिल लोग मिलते गए कारवां बनता गया, तो हो सके कि एक बड़े आंदोलन का रूप ना ले ले अगर शासन प्रशासन ना जागा इस मामले को लेकर। हमारी आज जो ग्राम सभा की यहाँ मीटिंग हुई, सब समाज के लोग थे उसमें, सभी जाति सभी धर्मों के लोग थे, तो अपने अपने विचार रखे सबने, सबके विचारों का जो एक निचोड़ आया निकल के वो सबका यही है कि पहले हमारा काम उसके बाद में हम वोट डालेंगे। वो किसी पार्टी का कोई विरोधी नहीं यहाँ कोई, ना किसी सरकार का विरोधी है, हम अपनी मांग है हमारी, सरकार हमारी है, हमारी चुनी हुई है तो सरकार से मांग करेंगे। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तो फिलहाल जो निर्णय हुआ वो ये हुआ कि भाई चुनाव का बहिष्कार, आगे जो कमेटी अभी गठित हुई उसमें 10-15 लोग सम्मिलित किए गए, तो वो जो भी कमेटी आगे निर्णय लेगी वो आपको बता देंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।